दोस्तों अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। हम थोड़ा लेट हो गए थे दोस्तों, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया है होटल के अंदर। अभी तकरीबन 11 बज रहे, डेढ़ घंटा में फतेहपुर सीकरी जाने में लगेगा, और करीब वहाँ से हम तीन बज जाएगी आते आते। और कुछ फिक्स ऐसे कोई हमें टैक्सी वगैरह मिली नहीं है, आपको टैक्सी खुद को करनी पड़ेगी, और साथ में ओला भी कर सकते हैं। और ईद का बस स्टैंड से आप जयपुर वाली जो बस जाती है वो बस भी ले सकते हैं, फिर वहाँ से फतेहपुर सीकरी उतर के आप घूम सकते हैं पूरा। हमने ऑटो किया है 1200 रुपये में। अब भाई साहब हमें बोल रहे हैं कि हम जो भी इनको हमने 6-7 पॉइंट बताएं वो सारे ये कवर करवाएंगे। अब देखते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या कवर हो जाएगा हमारा। जैसा कि ताजमहल और आगरा फोर्ट देखने के लिए आपको QR कोड से टिकट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको QR कोड से पेमेंट करना पड़ेगा। 3500 रुपये टिकट है, और हमारे साथ है भैया है जो गाइड है। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल है। अब्दुल भाई है, पूरा विजिट कराऊंगा, तो ये पूरा हमें घुमाएंगे क्या क्या है, देखते हैं कैसे क्या घुमाते हैं। अगर अच्छा घुमाएंगे तो मैं इनके नंबर दूंगा, जब भी आगरा आ रहे हो तो इनसे बात कर सकते हो। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर का सपनों का नगर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा, कई दरगाह भी आपको मज़ार वगैरह देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अकबर ने 1571 में अपने सपनों के नगर की स्थापना की थी, जिसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण ऐसे हुआ था कि पहले इसका नाम सीकरी था। सीकरी के बाद में जब अकबर ने गुजरात में आक्रमण किया था, तो जब आक्रमण करके उन्होंने युद्ध जीत लिया था, फतेह उन्होंने की थी गुजरात पर, तो वहाँ से आगे का नाम पड़ा है फतेहपुर सीकरी पूरा इसका नाम है। कुछ समय के लिए इसे अकबर ने राजधानी बनाया था, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से दोबारा आगरा को राजधानी बनाया गया था। ये थोड़ी बहुत यहाँ की हिस्ट्री है, बाकी जो हमारे गाइड आएंगे वो आपको हिस्ट्री बताएंगे। इतिहास के लिए बहुत अच्छी जगह है आगरा घूमने के लिए, तो इसी के तहत हम आए फतेहपुर सीकरी। तो आप भी आ सकते हैं और गाइड वगैरह भी कर सकते हैं, बार्गेनिंग करेंगे तो अच्छे से आपको गाइड मिल जाएगा। नॉर्मली जो चार्ज है हमने अभी पे किया है पार्किंग से ट्रांसपोर्टेशन का, और पूरा ये घुमाने का 250 रुपीज़ हम उसे पे करेंगे। फतेहपुर सीकरी आगरा से करीब 35 किलोमीटर दूर है। जब आप वहाँ से चलेंगे तो रास्ते में आपको पार्किंग मिलेगी और वो लोग आपको रोक देंगे, फिर वहाँ से बस मिलती हैं जो ईडी की होती हैं, वो 10 रुपये जाने की 10 रुपये आने की लेती हैं। बस जो हैं वहाँ से टूरिस्ट को पिकअप करती हैं, ये जो एक हिस्सा है और यहाँ पर वो छोड़ती हैं, इसको दीवाने आम बोलते हैं। दीवाने आम आदमियों की एक जगह थी, जहाँ पर राजा आम आदमियों से मिलता था और डिस्कस करता था, और वो तब मिलता था जब उसका मन करता था, क्योंकि अकबर राजा था। ये पूरा जो ग्रीनरी आपको दिख रहा है, उस ज़माने में ग्रीनरी नहीं था, यहाँ पर ये मिट्टी का मैदान हुआ करता था। दोस्तों आप पीछे जगह देख रहे हैं, यहाँ पे अकबर बैठता था, और यहाँ पे जो उनकी प्रजा होती थी वो सारी यहाँ पे बैठती थी। पहले मिट्टी का हुआ करता था। और जब भी आप आगरा आएंगे, चाहे आप आगरा फोर्ट चल जाए, फतेहपुर सीकरी आ जाए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतिहास की ओर से गुजर रहा हूँ। इतिहास देखते देखते आपको ऐसा लगेगा कि उसी दौर में मैं चल गया, कैसे राजाओं का रहन सहन था, वो सारे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अभी हमें भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे राजा बैठता था, वो अपनी प्रजा की जो भी समस्या होती थी उसका निवारण करता था। इस जगह को कहते हैं दीवाने आम, सही बोल रहा हूँ भैया? दीवाने आम। और जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पिलर्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे जो अकबर के खास मेहमान होते थे उनके लिए यहाँ पे लगाई, ये पिलर्स वगैरह जो देख रहे हैं ये झरोके, ये उनके लिए थे। ये जो दरवाज़े हैं ये नए दरवाज़े हैं, ज़्यादातर दरवाज़े फर्नीचर पर्दे सब चीज़ें ले गए लोग, यहाँ कुछ नहीं रहा है, केवल लाल पत्थर की बिल्डिंगें रह गई हैं। इन दरवाज़ों से राजा निकलता था, अंदर सीढ़ियाँ थीं शाही तरीके से, उसमें कालीनें बिछी रहती थीं, जैसे फिल्म को आप महसूस करते हैं रॉयल्टी देखते हैं उसी तरीके से वहाँ राजा के बैठने के इंतज़ाम थे, शाही तरीके से वो बैठता था। साइडों में 9 आदमी रहते थे, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, इन चारों। हाँ, ये जो बिल्डिंग है इसके दरवाजे भी होते थे, डबल डोर सिस्टम थे, ये सब बंद रहते थे।
इनकी ये खासियत है कि आप बतलाओगे आवाज़ नीचे गिरेगी ऊपर आएगी, पर ऊपर की आवाज़ है ना ऊपर ही जाएगी नीचे नहीं आएगी। हाँ, और ये जो पिलर है इसमें सब है, सब धर्म शामिल हैं। ये जैन धर्म है, ऊपर वाला राजस्थान के रणकपुर से लिया है उन्होंने, नीचे आप इसको लेकर के आइएगा तो ये लाइन बना हुआ है ज़िगज़ैग, ये पर्शियन के लिए, लोटस हिंदू के लिए, फिर बुद्धिस्ट के लिए, इस तरीके से ही अकबर ने नया धर्म बनाया और दीन इलाही चलाया। ये हिस्सा है छतरी का, ऐसे पंडित जी की छतरी बोलते हैं, पंडित परशोत्तम दास यहाँ पर बैठते थे। ये भी राजस्थान के रणकपुर से ली गई है। अच्छा, अकबर यहाँ अपना हाथ दिखाता था क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में यकीन करता था। पंडित जी यहाँ सेंटर में बीच में बैठते थे। जब राजा आता था अकबर तो बहुत से लोग उसका इंतज़ार करते थे। ये दो हिस्से हैं, एक ये वाला और एक वो वाला, वहाँ औरतें खड़ी रहती थी, यहाँ आदमी खड़े रहते थे। और अकबर उनको अपना हाथ दिखा करके अपना भविष्य पूछता था, वो लोग उधर वेट करते थे। अकबर यहाँ छतरी पे पंडित जी को हाथ दिखाता था, यहाँ पर यहीं पर वो हाथ दिखाता था। ये पूरा मैदान उसके आर्मी के लिए था, जैसे आप फिल्म को देखते हैं राजा वहाँ खड़ा होता था दीवाने खास में, और वो स्पीच देता था अपनी आर्मी के सेलेक्टेड लोगों को। वो उसका गार्डन है टहलने का, ये मुग़ल गार्डन है। मुग़ल गार्डन चार हिस्सों से खुला हुआ है, आम आदमियों का गार्डन एक हिस्से का होता है आने जाने का रास्ता, और वो चार हिस्सों से खोल के रखते थे। वहाँ उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, वो पब्लिक को एड्रेसिंग करने के लिए था। उसको दीवाने आम का हिस्सा कहा गया है, दीवाने आम के लिए वो इधर से ही आता था जाता था। जोधा अकबर मूवी है वो फिल्में यहाँ बंद है, 97 में परदेश बनी थी, जोधा अकबर वहीं बनी थी। हाँ, बॉलीवुड में वो सेटअप है, यहाँ का नहीं है ना, यहाँ का नहीं है, यहाँ के तो आइडिया ले गए फिर उन लोगों ने फिल्म बनाई। ये बिल्डिंग हवा महल पंच महल कहलाती है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, राजा रानियों के साथ में। हाँ, अभी हम उधर जाएंगे। इसके नीचे चौपड़ है जहाँ से वो देखता था हवा महल से, और औरतें यहाँ गेम खेलती थी, जैसे शतरंज, लूडो, चेस होता है उस टाइप का ये गेम है। ये बहुत बड़े साइज़ का चेयर है जहाँ राजा बैठता था, अकबर बीच में बैठता था। इनमें 16 औरतें शामिल होती थीं, 1, 2, 3, 4 इधर खड़ी होती थीं, 4 इस तरफ, 4 उस तरफ और 4 उस तरफ, सभी औरतें राजा के साथ में ये गेम खेलती थीं। ये हिस्सा शीश महल कहलाता है। अकबर की जो मुस्लिम बीवी थी वो यहाँ इंटरेस्टेड नहीं थी रहने के लिए। इसको हुजूर अनूप तालाब या टर्की सुल्ताना का पैलेस भी बोलते हैं। टर्की सुल्ताना का पैलेस बिकॉज टर्की सुल्ताना उसका टाइटल था। इसमें नक्काशी बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है, वैसे उसका नाम था रुकैया बेगम। ये नक्काशी हैं सब हाथ की कारीगरी की गई है, खूबसूरत कारीगरी है। इन लोगों ने भी ये बंद कर दिया है, अंदर जाना ये बंद है चारों तरफ से। इसके अंदर बॉक्स हैं जहाँ पर वो शीशे लगाते थे, और इनको शीश महल कहा गया है। एक जयपुर के अंदर है, जयपुर का हिस्सा जो है वो इंडियन आर्किटेक्चर का हिस्सा है। इसमें मिक्स है सब चीज़ें, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, चाइनीज़, इंडियन, पर्शियन, तो उसकी सोच को दिखाती हैं कि उसने सब चीज़ों को शामिल करा है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसको अनूप तालाब बोला गया है। अनुपम हिंदी का शब्द है, अनुपम खूबसूरती, तालाब एक पॉइंट, खूबसूरत तालाब, तानसेन के लिए, तानसेन बैठ के म्यूज़िक प्लेट करते थे। ये पूरा हिस्सा भरा रहता था परफ्यूम से, इत्र से, गुलाब से, औरतें यहाँ डांस करती थीं। और वो सामने पिलर हैं, ऊपर राजा के लिए बैठकें थीं, राजा वहाँ बैठ कर के तानसेन को सुनता था। नीचे के पिलर उसके मिनिस्टरों के लिए हैं, और वो दीपक राग गाते थे। इन हिस्सों पे वो लोग दीपक रखते थे और दीपक जल जाते थे। तो ये पूरा हिस्सा केवल तानसेन के लिए था म्यूज़िक प्लेट करने के लिए। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर इधर जो हिस्सा है ये उनके टॉयलेट और वॉशरूम के हिस्से हैं। वहाँ एग्ज़िट है जो अभी बंद है फ़िलहाल। ये पानी की टंकी है, पानी जो पीने का होता था इसमें वो पीने का पानी रखते थे। ये रास्ता है जहाँ से आप आए हो वहाँ से अकबर आता था। इसका साइड का रास्ता है जहाँ से वो निकल करके जाता था, उधर से मुस्लिम बीवी आती थी और इस तरफ से मरियम आती थी। और ये रास्ता है जुदाई के लिए जो कि इसी महल में बना हुआ है अकबर के बेडरूम के पास। ये अकबर का बेडरूम है, ये बड़ा बनाया है उन लोगों ने, कोई उस पर अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे। इसकी सीढ़ियाँ थीं, सीढ़ियों को लोग ले गए लूट करके। नीचे पानी रहता था, बर्फ़ रहती थी ताकि ये ठंडा रहे, जाड़ों में आग लगाते थे ताकि उसको हीट मिले। आग विंटर में, गर्मियों में बर्फ़ और बर्फ़ का पानी। ये हवा महल जो है चाइनीज़ आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है क्योंकि इसका पूरा ढांचा पिलरों पर सपोर्ट करता है। और जो जयपुर में बना हुआ है वो इंडियन आर्किटेक्चर का हिस्सा है। ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया,
जयपुर वाला जो है वो 18वीं शताब्दी में बनाया गया, उसमें नयापन है, इसमें थोड़ा पुरानापन है। ये खुला हुआ है, गर्मियाँ बहुत पड़ती थी तो गर्मियों को वो बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए उन लोगों ने इसको खोल कर रखा है। इसके सबसे नीचे 84 पिलर हैं, 84 लाख योनियाँ होती हैं, ये 84 गांव थे तो इसलिए उन लोगों ने ये रखी हैं 84। तो सामने वाली बिल्डिंग ये मरियम का महल है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की एक पुर्तगीज़ बीवी भी थी जो 1498 में पुर्तगीज़ यहाँ आए, 1510 में उन्होंने गोवा जीता, 1565 में अकबर ने उससे शादी की। मरियम का ये महल, इसको सुनहरा महल भी बोलते हैं। सुनहरा महल यानी कि सोने की पेंटिंगों से बना हुआ एक घर। पहले इसमें सोने की पेंटिंगें हुआ करती थी जो कि अब वक्त के हिसाब से सब जा चुकी हैं। ये बिल्डिंग सामने वाली जोधाबाई का महल है। अकबर की तीसरी रानी जोधाबाई की फैमिली के लोग आज भी जिंदा हैं, वो लोग जयपुर में रहते हैं। मल्लिका हिंदुस्तान जिनसे अकबर को औलाद हुई और बच्चे का नाम पड़ा सलीम जो आगे चल के जहांगीर कहलाया। ये झरोखा दर्शन है, इन्होंने जो गेट दिए हैं ये हवेलियों के स्टाइल में है। सामने दीवार है कि आदमी औरत को ना देख सके क्योंकि आदमी इसके अंदर अलाउड नहीं थे। ये रोशनदान है सामने जो बने हुए हैं, इनमें वो मूर्तियां रखते थे। अच्छा भैया आपके नंबर बता दो, कोई भाई हमारा आना चाहता है तो कैसे आ सकता है? आप लोग आगरा आएंगे, आगरा से हर स्टेशन पे लोगों को मालूम रहता है टूरिस्ट कौन है, आम आदमी कौन है, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं जैसे टैक्सी ड्राइवर वगैरह हैं। आगरा से आप चलेंगे तो वहाँ रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, और वो टैक्सी वाले हैं तो वो फतेहपुर सीकरी के लिए भी आते हैं। यहाँ आके आपसे कांटेक्ट, फतेहपुर सीकरी जब आएंगे तो वो पार्किंग में छोड़ते हैं, फतेहपुर सीकरी पार्किंग जो है वहीं हम लोग खड़े रहते हैं। हमारा अपना नंबर होता है, हमारा नंबर है 9568413685। आप जो है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ 9568413685, और मेरा नाम है अब्दुल गाइड फतेहपुर सीकरी। दोस्तों पहले जो हमने दिखाया था वो सीकरी दिखाया था, फतेहपुर का फोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दोनों मिलकर फतेहपुर सीकरी हुआ। बुलंद दरवाज़ा बादशाह अकबर ने जंग जीती गुजरात में, अहमदनगर, गुजरात में अहमदनगर है, तो अहमदनगर को जीतने के बाद अकबर ने गेट को बना कर तैयार किया था। 1601 में स्टार्ट किया गेट को बनाना, 1602 में तैयार, गेट को बनाने में एक साल लगा था। वो सामने मस्जिद है, उसको जामा मस्जिद बोलते हैं, वहाँ बादशाह अकबर नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। जामा मस्जिद भी इधर ही है क्या? एक यहाँ भी, एक दिल्ली में भी है। जामा मस्जिद इसलिए बोलते हैं क्योंकि जुमे की नमाज होती है, उसको जामा मस्जिद बोलते हैं। और वाइट जो आप देख रहे हैं दरगाह सलीम चिश्ती बाबा की, अकबर के धर्म गुरु की समाधि है। अकबर के पास तीन रानियाँ थी, बच्चे नहीं थे, तो रानी जोधाबाई ने यहाँ बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी। बाबा के आशीर्वाद से जोधा को बेटा हुआ था। बेटे की खुशी में अकबर ने यह किला फतेहपुर सीकरी बनाया था। पूरे किले को बनाने में 12 वर्ष लगे थे। वहाँ पर लोग आज भी जाते हैं, मन्नत के धागे बांधते दरगाह के अंदर, वहाँ विश आज भी लोगों की पूरी होती है।